तो पहले वार्म अप मैच में भारत को 26 रन से जीत मिली है श्रीलंका पर, जो कि मेजबान है और इस टूर्नामेंट को जीतने की एक फेवरेट टीम्स में से है। तो ऐसे में भारत के लिए वार्म अप मैच बड़ी जीत कराई जाएगी, लेकिन एक चिंता का विषय है, कुल उन्होंने 5 गेंदें खेली, उसमें एक चौका लगाया, 4 रन बनाए। बात हम कर रहे हैं भारतीय टीम के ओपनर गौतम गंभीर की, जो श्रीलंका के खिलाफ वार्म अप मैच में बल्लेबाजी करते हुए चोटिल हो गए। दाएं हाथ में लगी चोट के बाद उन्हें मैदान छोड़ना पड़ा, गंभीर को एक्सरे के लिए लेकर जाया गया, हालांकि बाद में बताया गया कि चोट ज्यादा खतरनाक है, गंभीर नहीं है। बल्लेबाजी में जो सुधार हुआ उसके बारे में क्या कहना है इरफान का, ये वो भी सुनते हैं। बैटिंग की आप बात अगर करें तो मैं बैटिंग के लिए तैयार हूँ, मतलब मैं 4 बार से ज्यादा बैटिंग नहीं कर पाया हूँ, बिकॉज सिचुएशन मिली नहीं है, बारिश हो गया बीच में, और लेकिन मैं अभी जाके बैटिंग करूंगा, सो होपफुली आई बी रेडी, मतलब जो भी सिचुएशन मिले मैं कोशिश करूंगा कि मैं रेडी हूँ, बाकी ऊपर वाली उम्र। तो टीम इंडिया ने आज खतरे की घंटी बजा दी होगी विरोधी कैंप्स में, क्योंकि जिस अंदाज में भारतीय टीम खेली और मेजबान को हराया उससे हर कोई यहां पर घबरा गया होगा।